नमस्कार, घमासान .com में आपका स्वागत है। मैं अतुल राठौर। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में पधारे देश के जाने माने लेखक साहित्यकार मोरवाल जी आज हमारे साथ हैं। भगवान दास जी मोरवाल आज हमारे साथ हैं और अभी हाल ही में उनके लोक रंग के बारे में हमने उनके विचार भी जाने। लोक रंग को लेकर जो अलग अलग चर्चाएं अभी हुई हैं, तो सर आप क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा और स्पष्ट बताएंगे कि लोक रंग कैसे जुदा होता जा रहा है? नहीं, देखिए जैसे क्या है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, वो जिस तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। पहली बात तो हमें कारणों पर के बारे में सोचना, क्योंकि आखिरकार क्यों ख़त्म होती जा रही है। मेरा अपने ये मानना है कि जो हमारा लोक साहित्य है, जो कि साहित्य में जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आता। फिल्मों में तो वो खूब आता है। मैं जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कहूँ कि नौटंकी पर एक फिल्म शैलेंद्र जी की आई थी, तीसरी कसम, हाँ, अगर उस फिल्म को देखें आप, पूरा फॉर्मेट देखें, तो नौटंकी पर आधारित फिल्म है वो। और उसके बाद अगर आप देखें तो इस तरह की लोक संगीत को केंद्र में रखकर बहुत सारी फिल्मों में तो काम हुआ, लेकिन साहित्य में और ख़ास तौर से कहानियों में भी थोड़ा बहुत उपन्यास के स्तर पर नहीं हुआ। मेरा जैसे ये सुर बंजारन एक उपन्यास है, ये हाथरस शैली की जो नौटंकी है उसकी एक अदाकारा कृष्णा कुमारी को केंद्र में रखकर लिखा गया। ये दरअसल उपन्यास सिर्फ एक हाथरस शैली की नौटंकी अदाकारा पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें जो हाथरस शैली की नौटंकी उसके जो परंपरा रही है वो पिछले 50-60 वर्षों का जो एक पूरा इसने जो उतार चढ़ाव देखे, जो पूरी यात्रा है नौटंकी की, उसको मैंने इसमें लाने का प्रयास किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हाथरस शैली में जितनी भी नौटंकियाँ, जिसको कि ये नौटंकी बहुत बाद में शब्द पड़ा, पहले इसको सांगीत या स्वांग कहा जाता था, नौटंकी बाद में पड़ा, तो इसके जो रचयिता थे पंडित नथाराम शर्मा गौड़, पंडित नथाराम शर्मा गौड़ ने लगभग 100 से ज़्यादा नौटंकियों की रचना की है, जिसमें अमर सिंह राठौर, जिसमें भक्त पूरनमल, जिसमें सुल्ताना डाकू, जिसमें हीर रांझा, जिसमें आपका कहना चाहिए कि लैला मजनू, जिसमें नौटंकी शहजादी है, इस तरह के बहुत सारे नौटंकी। और इसमें जो मज़ेदार चीज़ है कि एक ज़माने में नौटंकी में जो स्त्री पात्रों की जो भूमिका निभाई जाती थी वो पुरुष ही निभाते थे। बिल्कुल, कृष्णा कुमारी पहली ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने कि स्त्री पात्रों की भूमिका निभाई, और एक तरह से वो अंतिम अदाकारा रही। और उनका अवदान, देखिए मैं संगीत का आदमी नहीं हूँ, अब आप सोचेंगे कि मुझे ऐसा क्या प्रेरणा मिली कि मैंने उनको केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा। कृष्णा कुमारी जी का जो सबसे बड़ा अवदान रहा है, सामाजिक योगदान, वो ये रहा है कि 70 और 80 के दशक में जब हमारे यहाँ शैक्षणिक इदारों का एक तरह से शुरुआत हो रही थी, उसकी इमारत बन रही थी, तो उस